मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर आज मैं ITI वाले बच्चों के लिए एक और नई वैकेंसी लेकर आया हूं, जो अप्रेंटिसशिप की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो HL कंपनी आपके करीब जो लखनऊ में है उसके लिए जो है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हुई है। अब किन ट्रेडों के लिए है और कैसे कैसे इसका आवेदन आपको करना है, मैं इन सब के बारे में आपको जो है बताता हूँ। तो आगे फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर तकनीकी योग्यता के आधार पर यहाँ पर बताया गया है कि किसी सरकारी व मान्यता प्राप्त, मतलब कोई सरकारी ITI से, गवर्नमेंट ITI से उस स्टेट का मतलब किया हुआ है सर्टिफिकेट, या प्राइवेट में किया है उसने ITI, तो आपका फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, ग्राइंडर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है और इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, रेफ्रिजरेशन, AC, ड्राफ्टमैन मैकेनिक, कोपा, और 2019, 2020, 2021 में ITI राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रमाण पत्र, मतलब आपका प्रमाण पत्र प्लस मतलब सर्टिफिकेट और आपकी NTC और NAC, NTC का मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और NAC का मतलब वो जो मतलब आप जो है अप्रेंटिस का आप कार्यक्रम करेंगे, तो आपकी मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका अनिवार्य है। और अप्लाई करने के लिए जो है आप उस सर्टिफिकेट से जो है आप अप्लाई करेंगे। केवल रिजल्ट अवेटेड, मतलब फर्स्ट ईयर में ओनली पढ़ रहा हो बच्चा, वो अप्लाई नहीं कर सकता है। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता में टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, ड्राफ्टर, मैकेनिक, हाई स्कूल में विज्ञान और गणित विषयों में तथा और उसके समकक्ष मतलब होना चाहिए शैक्षिक योग्यता में, जो इन ट्रेडों से अप्लाई करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, वेल्डर, ये जो है हाई स्कूल 10+2 अथवा इसके समकक्ष होना चाहिए, इसमें विज्ञान और गणित का नहीं दिया हुआ है। साथ में कोपा और पासा में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की जो ट्रेड है उसमें नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब NCVT अथवा SCVT दोनों से प्राप्त जो है सर्टिफिकेट मान्य रहेगा। उसके बाद फिर आगे बताया जा रहा है यहाँ पर कि COE कोर्स से जो ITI कर रखा हुआ है, COE ट्रेड से यहाँ पर दिया हुआ है, COE टेट से जो ITI कर रखा है वो इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं है। उसके साथ में यहाँ पर आयु सीमा जो है 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि वो बच्चा OBC का है तो 3 वर्ष की छूट उसको मिल जाएगी, यदि वो SC का है तो 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी, या विकलांग श्रेणी में आ रहा है तो उसको 10 साल की छूट यहाँ पर मिलेगी। प्रशिक्षण की अवधि जो है आपकी 1 वर्ष की रहेगी। अब ये समझिए कि आवेदन करने की कैसे क्या विधि है। आवेदन करने की विधि है कि इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन ही आवेदन किया जाएगा, ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा। साथ में वेबसाइट जो है इसकी पंजीकरण वेबसाइट उस पर रजिस्टर्ड है, उसी पर लिंक, ये जो है एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को ओपन करके आप जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट मैं बताना चाह रहा हूँ कि 15 जून 9 बजे से जो स्टार्ट ये हुआ है, ओपन हुआ है, और 30 जून 2022 तक जो है खुला रहेगा। 30 जून तक इसको नहीं अप्लाई कर पाए तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि यहाँ पर आपका चयन जो है मेरिट के आधार पर होगा, यहाँ पर चयन जो होगा वो मेरिट के आधार पर होगा। यहाँ पर हाई स्कूल में 70% और यहाँ पर हाई स्कूल में 70% और एवं ITI में प्राप्त प्रतिशत का 30% योग मेरिट पर निर्धारित किया जाएगा, मतलब आपका हाई स्कूल लेवल से 70% लिया जाएगा और ITI लेवल से 30% का योग लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी मेरिट बेस पर जो है आपकी वैकेंसी ओपन होगी, ये भरी जाएगी। तो जल्दी से जल्दी जो है मैंने आपको बता के रखा है, और यदि कोई आपको समस्या हो रही है तो HL विभाग का 8 बजे से 4 बजे तक जो है इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको पूरी जानकारी और अधिक जानकारी दे सकते हैं। तो मैं जो है फिर एक नई वैकेंसी के साथ आपके पास फिर आऊँगा वीडियो लेकर। और जिस भी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो वैकेंसी सोच रहा है, तो वैकेंसी उसको ऐसे नहीं मिलती है, वो पहले सब्सक्राइब करे और लगातार जो है पढ़े, एक नई वैकेंसी के साथ इस वीडियो में आए, और फिर नई वैकेंसी के साथ फिर से आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।